आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह है अनुदैर्ध्य वर्ण विपंतन। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ण विपंतन के बारे में अध्ययन किया था। पूर्व लेक्चर से स्पष्ट है कि जो बैंगनी रंग की जो किरण होती है, ठीक है, वो लेंस के पास एफ पर फोकसित होती है, जबकि जो लाल रंग की जो किरण होती है वो लेंस से दूर एफ पर फोकसित होती है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है एक्स, जो दूरी होगी एक्स एफ आर माइनस एफ वी, वो अनुदैर्ध्य अक्षीय वर्ण विपंतन कहलाती है। तो बैंगनी रंग की किरण लेंस के पास ठीक है, ये एफ ई पर फोकसित होती है, एफ ई ये अपना स्मॉल ले लेता, एफ स्मॉल है, ये एफ बी स्मॉल है, एफ ई पर फोकसित होती है। जबकि लाल रंग की किरण लेंस से दूर एफ आर पर फोकसित होती है। ठीक है, तो ये जो एक्स होती है दूरी, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है एफ आर माइनस एफ वी, जिसे अपन एक्स मानते हैं, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य अक्षीय वर्ण विपंतन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, तो जो एक्स होगा एफ आर माइनस एफ वी, वो अनुदैर्ध्य अथवा अक्षीय वर्ण विपंतन कहलाती है। माना बैंगनी व लाल रंग की किरणों के लिए हम अपवर्तनांक मान लेते हैं म्यू वी व म्यू आर, वी और आर सबस्क्रिप्ट में आएंगे अपने। माना बैंगनी व लाल रंग की किरणों के लिए, ठीक है, अपवर्तनांक मान लेते हैं, अपवर्तनांक म्यू वी व म्यू आर है, ठीक है, और इनकी फोकस दूरियां अपन पहले पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला था 1/f बराबर क्या होता है, म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो इनकी फोकस दूरी तथा इनकी फोकस दूरी, ठीक है, निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, फॉर्मूला बनेगा एफ आर का 1/f r, आर का मतलब रेट से, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में लिखे देंगे, आएगा म्यू आर माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, फिर इसी प्रकार फॉर्मूला वी के लिए भी बन जाएगा, बैंगनी के लिए, वॉयलेट कलर के लिए, ठीक है, 1/fv, वी अपन सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है, यार बराबर म्यू वी माइनस वन, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2, ये होगी समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। ये लाल रंग की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, और ये बैंगनी रंग की फोकस दूरी के लिए अपना सूत्र है। यहाँ पे r1 व r2 क्या है,
आर वन और आर टू पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो आर वन व आर टू पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। हम जानते हैं कि जो वीड कलर होता है, जो माध्य कलर होगा बैंगनी और लाल के बीच में, वो कौन सा होता है? पीला कलर होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं माध्य पीत प्रकाश की फोकस दूरी अपन मान लेते हैं एफ, और उसका अपवर्तनांक अपन मान लेते हैं म्यू। तो इसकी फोकस दूरी का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो माना पीले रंग की प्रकाश किरण के लिए, माना पीले रंग की प्रकाश किरण के लिए, ठीक है, फोकस दूरी एफ दूरी एफ अपवर्तनांक अपन मान लेते हैं म्यू है। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। फॉर्मूला बन गया, ऐसे समीकरण नंबर दे देंगे 3। तीन समीकरण बन गए अपने पास, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है। अब ये म्यू माइनस 1 अपन इधर ले जाएंगे, तो 1/f म्यू माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। योगी समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 1 और 4 देखते हैं, या फिर सबसे पहले 4 और 2 लेते हैं, समीकरण 4 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 4, ये समीकरण 4 व समीकरण नंबर 2 से, इक्वेशन 4 और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहां से 1/r1 माइनस 1/r2 का मान निकालेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो आ जाएगा 1/fv और ये म्यू भी माइनस 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2 का मान ये हो जाएगा 1/fv बराबर म्यू माइनस 1, और यहाँ से अपना 1/r1 माइनस 1/r2 समीकरण नंबर 4 है ही, ये 1/f म्यू माइनस 1 दोनों है ना मान क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये रख देते हैं 1/f म्यू माइनस 1, ये समीकरण 4 से हो गया 1/r1 माइनस 1/r2 का मान, और समीकरण नंबर 2 से 1/r1 माइनस 1/r2 का मान हो जाएगा 1/fv म्यू वी माइनस 1, 1/fv, ठीक है, म्यू वी माइनस 1, ठीक है, ये माना गया। अब कुछ कट रहा तो काट देते हैं, कुछ कट ही नहीं रहा है तो 1/fv का मान निकाल देते हैं। 1/fv का मान ये इधर म्यू वी माइनस 1 इधर जाएगा, ठीक है, तो अंश में चला जाएगा, तो 1/fv का मान आ जाएगा 1/fv बराबर 1/f और म्यू वी माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस 1। ये होगी समीकरण नंबर 5, ठीक है। इसी प्रकार वापस समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 4 यही वही 1/r1 माइनस 1/r2, मान जो निकलेगा इसका 1/f म्यू माइनस 1, और यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2 का मान निकलेगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 1/fr μr माइनस 1, तो 1/f
यू माइनस वन बराबर, ठीक है इसका मान आ जाएगा वन अपॉन एफ आर यू आर माइनस वन। यहाँ से वन अपन एफ आर का मान निकालना है, ये इधर बैठी पे क्यों यहाँ चला जाएगा तो वन अपन एफ आर का मान आ जाएगा एफ आर बराबर म्यू आर माइनस वन, ठीक है और एफ म्यू माइनस वन, ठीक है ऊपर वही वन लिख दो, ठीक है वन अपन एफ म्यू माइनस वन बराबर वन अपन एफ आर म्यू आर माइनस वन। तो वन अपन एफ आर का मान हो जाएगा इधर चला गया तो म्यू आर माइनस वन अपन नीचे हर में तो ये एफ म्यू माइनस वन। इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपनी, छः आ गई। अब इक्वेशन पाँच और इक्वेशन छः दो इक्वेशन आ गई, तो इक्वेशन पाँच में से इक्वेशन छः को अपन क्या होंगे घटा देंगे, पाँच माइनस छः करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी, तो वन अपन एफ ई माइनस वन अपन एफ आर, एफ वी माइनस वन अपॉन एफ आर, ठीक है बराबर आ जाएगा अपना वन अपॉन एफ वी माइनस वन अपॉन एफ आर एफ म्यू माइनस वन, क्या हो जाएगा अपना ये एफ म्यू माइनस वन और एफ म्यू माइनस वन, ये तो अपना आ जाएगा हर बराबर एफ म्यू माइनस वन, ठीक है यार हो गया और घट जाएगा, देखिए म्यू वी माइनस वन म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है क्या आ जाएगा म्यू वी माइनस वन, ठीक है माइनस म्यू आर और प्लस वन, ठीक है कट गया आ जाएगा वन अपॉन एफ वी माइनस वन अपॉन एफ आर बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन एफ म्यू माइनस वन, ठीक है। अब इसका लघुतम लेंगे तो लघुतम कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा एफ वी एफ आर या एफ आर एफ वी जो भी लिखना हो, ठीक है लघुतम आ गया एफ आर एफ वी, ठीक है लघुतम में हर का भाग देंगे एफ ई से एफ ई कट जाएगा, बचा क्या एफ आर, एफ आर कौन से एक से गुणा करेंगे कितना जाएगा एफ आर माइनस का, तो माइनस का सिंबल वापस भाग दिया, ठीक है एफ आर से एफ आर कट गया बच गया एफ ई, एफ ई को एक से गुणा किया तो बच गया एफ ई बराबर ई म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन एफ म्यू माइनस वन, ठीक एफ आर और एफ ई एफ स्क्वायर के बराबर होता है क्योंकि एफ आर एफ ई इक्वल टू अपना हो गया एफ स्क्वायर, तो ये मान रख देंगे एफ आर ऐसे एफ ई अपॉन एफ स्क्वायर हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन एफ माइनस वन, एक एफ से एक एफ क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है तो इक्वेशन मिल जाएगी वार माइनस एफ ई अपॉन एफ, ठीक है म्यू वी म्यू आर म्यू माइनस वन, ठीक है इस एफ को इधर बाई टी पी किया तो आ गया एफ आर माइनस एफ ई बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन, लेकिन ये समीकरण नंबर छः तो बताइए समीकरण नंबर सात क्योंकि इक्वेशन नंबर सेवन, ठीक है और एफ आर माइनस एफ पी जो डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं परिभाषा से क्या होता है एफ आर माइनस जो एफ पी होता है वो अपना क्या होता है एक्स अनुदैर्ध्य अक्षीय वर्ण विपंतन, ठीक है और एक्स बराबर क्या होता है ओमेगा एफ, एक्स बराबर अपना होता है ओमेगा एफ, ये होता है एक्स, ये एक्स के बराबर होगा और एक्स बराबर ओमेगा एफ, ये मान जब अपन यहाँ रखेंगे ओमेगा एफ
फिर एफ एक एफ से एक एक एफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ओमेगा का मान मिलेगा ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है, अपॉन म्यू माइनस वन। ये जो ओमेगा होता है अपना म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू माइनस वन, ये बैंगनी तथा लाल प्रकाश किरणों के लिए लेंस के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता है। ये क्या होती है, बैंगनी तथा लाल प्रकाश किरणों के लिए लेंस के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन नंबर 7, इसे इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं, इक्वेशन 7 और ये जो 8 है, ये है ना अक्षीय या अनुदैर्ध्य वर्ण विपतन का मान ज्ञात होता है इससे, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 से। धन्यवाद।